मेरे प्रणाम। के पगा बजावे घूंगरा हाथ में मृदंग ताली, अरे नामो छीपो हरि गुण गावे मारे विठल रे दरबारे, अरे धिन धिन संत नाम देव जायो थारी मात, अरे इन धरती रा बामण वाणिया झुक झुक करे प्रणाम। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? सुनना मित्रों, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या घटना हो गई कि बामण वाणिया भी नामदेव जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। जिस समय उत्तर भारत की यात्रा करते करते पंडलपुर से नामदेव जी महाराज रवाना हुए और उत्तर भारत की यात्रा करते करते इस मारवाड़ की धन्य धरा पर आए, अपने आराध्य विठल भगवान के इस भव्य मंदिर को देख करके मन में बड़े उत्साहित हुए। रात्रि विश्राम लिया और सवेरे के टाइम भगवान की बिल्कुल समक्ष बैठ करके अपनी भक्ति में विलीन हो गए, विठल नाम का स्मरण करने लगे। भक्ति करते करते इतने भक्ति में मग्न हो गए कि कुछ समय बाद पुजारियों का मंदिर में आगमन हो जाता है। पुजारी देख के बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कौन आ गया भाई। नामदेव जी महाराज से पुजारी जी पूछते हैं कि भाई आप आए कहां से हो, आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है, कौन सी जात के हो। नामदेव जी महाराज ने अपना नाम बताया कि नामदेव मेरा नाम है, मैं पंडलपुर से आया हूँ, जाति से मैं छिपा हूँ। इतना सुनते ही पुजारी जी थोड़े से क्रोधित हो गए कि हमारा पुजारियों ने नामदेव जी महाराज से कहा कि हमारा व्यक्तिगत मंदिर है, यहाँ पर दूसरी जात के लोगों का आना सख्त मना है और तुम डायरेक्ट ऐसे सीधे कैसे आ गए, भगवान के समक्ष बैठ गए। नामदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान के दर पे तो कोई जात पात का तो भेदभाव होता ही नहीं, क्या राजा क्या रंग सब एक समान है। लेकिन पुजारियों ने नामदेव जी महाराज के ऊपर जात भेद का लांछन लगा दिया कि आप छोटी जाति को आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अब नामदेव जी महाराज को वो बात बहुत अखरी और विठल भगवान से एक सवाल कर डाला और स्वयं भगवान से पूछने लगे नामदेव जी महाराज क्या। सुनना मित्रों, ओ अरे जाते अरे पाते हे जो थारी मर्जी सुखी नारे, अरे जाते अरे पाते मोहनी जो थारी मर्जी सुखी नारे, घर रे छी पारे जन्म कही ने थे ना।
थारी जात और पात जो थारी मर्जी सु ते जीना तो घर रे छिपा रे जन्म मने काई ने जीना के हे भगवान जो ये जात पात तूने तेरी मर्जी से बनाए हैं सावरे तो मुझे छिपा के घर में जन्म दे दिया, मुझे भी किसी ब्राह्मण के घर में जन्म दे देता तो ये दुनिया जो है मुझे आज जात पात का मेरे पे इंजाम लगा रही है वो नहीं लगाते। अब नामदेव जी महाराज अपनी भक्ति में विलीन है मंदिर में बैठे हुए और पुजारी जी नामदेव जी महाराज से कहते हैं कि तेरा यहाँ कोई नहीं है, तू यहाँ से उठ के चला जा। अब पुजारी जी नामदेव जी महाराज से कहते हैं, सुनिएगा, ओ हो सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो अपने भगवान विट्ठल की भक्ति में विलीन हूँ, मेरे आराध्य मेरे समक्ष सामने बैठे और यहाँ पर मुझे जात पात का भेद समझाया जा रहा है। नामदेव जी महाराज ने कहा कि जाति से कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, जाति से कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति छोटा बड़ा बनता है तो अपने कर्मों से बनता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, अरे जो नर चाहा वही पल चाका। अब नामदेव जी महाराज ने उन पुजारियों से कहा कि आप कहते हो कि हम जाति में श्रेष्ठ है, मैं तुझ जाति का हूं। तो नामदेव जी महाराज ने उन पुजारियों से एक सवाल कर डाला कि आप मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर ये सिद्ध हो गया कि मैं छोटी जाति का आप बड़ी जाति के हो तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। अब नामदेव जी महाराज ने उन पुजारियों से कैसा सवाल कर डाला, सुनिएगा, Thank you.
नारियों से कहा, अरे मारे काई लोई आवे थारे काई दूध रे, जरा हाथ काट के बता दे तेरी रगों में मेरी रगों में खून दौड़ रहा है और तेरी रगों में कौन सा दूध है। आप कहते हो आप जाति में श्रेष्ठ हो, तो जरा मुझे प्रमाण तो दो इस बात का, मुझे प्रमाण दो इस बात का, मेरी रगों में खून दौड़ रहा है, आपकी रगों में कौन सा ऐसा दूध दौड़ रहा है कि आप जाति में श्रेष्ठ हो गए। अब पुजारियों ने वो इतनी सी बात सुन ली तो और ज्यादा क्रोधित हो गए, गुस्सा और ज्यादा आ गया। नंद जी महाराज को हाथ से पकड़ के खड़ा कर दिया उन लोगों ने। हेलो, बोले नहीं हमसे सवाल जवाब मत करो, आप तो यहाँ से उठ के रवाना हो जाओ। अब जैसे ही पुजारी जी नामदेव जी महाराज को कंधे से पकड़ के खड़ा कर देते हैं और ओ हो प्राप्त हो गया, जीवन धन्य हो गया। ओहो वहां से खड़ा कर दिया। अरे उठियो रे नामो चीपो कमलिया झणकाया जी, आंखों से आंसू की धार बरस रही है नामदेव जी महाराज के। उठियो रे नामो चीपो कमलिया झणकाया जी, रीस करी मनमोहन ऊपर मिंदर लारे, मिंदर लारे जाई ने। और गुस्सा किसके ऊपर आ गया? नामदेव जी महाराज को, स्वयं भगवान के ऊपर कि तेरे दरबार में बैठा हूँ और तेरे भक्त के ऊपर ये लोग इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे और तू हंस रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अब उन पुजारियों ने कहा कि आपको बैठना ही है तो मंदिर के पीछे के भाग में जाकर बैठ जाइए, लेकिन मंदिर के अंदर तो आपको बैठने की इजाजत नहीं है। अब वो आंखों से आंसू की धार बरस रही है और नामदेव जी महाराज मंदिर के पीछे के भाग में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान से ऐसी करुण पुकार करते हैं कि स्वयं भगवान को भी इस धरती पर आना पड़ता है और एक भक्त की लाज रखनी पड़ती है। और कैसी लाज रखी मेरे नामदेव जी, सुनिएगा। अरे सुनो नी सांवरिया महारी भजनों
मजबूर हो गए, मंदिर कंपन करने लगा और पूरा घूम के उल्टा जिस दिशा में नामदेव जी महाराज बैठे थे उनके समक्ष हो गए। पुजारी और नगरी के पूरे लोग ये देखकर बड़े अचंभित हो गए कि ये हो क्या रहा है। हेलो, पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। जी हाँ, पूरब से घूम के पूरा पश्चिम की ओर हो गया। उगमड़ाऊ आतमड़ारी तरफ। अब ऐसी करुण पुकार लगाई नामदेव जी महाराज ने कि जिसका पर्चा हम सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से ये चमत्कार है। और इस दरबार में जो भी आता है, मैंने खुद स्वयं ने इस बात को महसूस किया है, इस दरबार में जो भी आता है, जो भी मांग के जाता है, कभी खाली हाथ मेरे विठल के दरबार से वो नहीं लौटता है। तो अंत में पूरे नामदेव, संपूर्ण नामदेव शिवा समाज की ओर से नामदेव जी महाराज के चरणों में ये विनती। ओ अरे